हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू करियर पोर, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2023 की डेट्स के बारे में। तो अभी हम कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि लास्ट ईयर क्या डेट्स थी और इस ईयर क्या डेट रहेंगी आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम की। तो डेली अपडेट आपको मिल जाएगा 7:30 PM पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात कर लें तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला था इसका 14th February को, 14th आपको इसका नोटिफिकेशन आया था। तो इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा फरवरी में 2023 में। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें इसकी, तो प्रीलिम्स जो था एग्जैक्ट एक महीने बाद मार्च 24 को, 14 फेब से सीधा मार्च 24, ऑलमोस्ट एक महीना 10 दिन एक्स्ट्रा। इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिड मार्च में आपका इसका प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स के रिजल्ट में ऑलमोस्ट एक महीना लगता है, आपको पता ही होगा अगर आपने IBPS के पहले एग्जाम दिए तो, या RBI की आपने दिए होंगे पहले। तो मिड मार्च के बाद एक महीने बाद आप मान के चलो इसका एक्सपेक्टेड है अप्रैल में आपका मेंस होगा। मेंस लास्ट टाइम 8 मई को हुआ था और इस बार होगा अप्रैल में। LPT की बात करें तो LPT भी एक महीने से ज़्यादा आपका लेता है, 1 से 1.5 महीना। वो हमको टाइम लगता है कि जल्दी हो जाता है, लेकिन 1 से 1.5 महीना कम से कम लगता है। और फाइनल रिजल्ट बनने के लिए भी आपको चाहिए होते हैं 1 से 2 महीने, और आराम से एक्सपेक्टेड जो होता है RBI 1 से 2 महीने के बीच में आपका लेता है। तो बाकी सितंबर में आपको देखने को मिलेगा इसका फाइनल रिजल्ट पूरा सिलेक्शन के बाद। बाकी अभी सब लोग वेट कर रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन आने के बाद ही कुछ पता चलेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको डेट देखने को मिल जाती है प्रीलिम्स की और मेंस की, ऑलमोस्ट सब कुछ उसमें पता चल जाएगा। तो बाकी इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो पर सिर्फ 20 लाइक्स का टारगेट है, जल्दी से कंप्लीट करें 20 लाइक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।